20 से 25 किलोमीटर सफर करने के बाद हम चोलिस्तान के एक ऐसे घर में पहुंचे हैं जहां वो बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी के कच्चे बने हुए मकानों में रहते हैं और अपनी जिंदगी का कैसे गुजर बसर करते हैं आज की हम वीडियो में शेयर करते हैं आपके साथ। चोलिस्तान में सुबह उठते ही घरों की औरतें घर की सफाई सुथराई का काम करना स्टार्ट कर देती हैं। आलू दो, मटर दो, गाजर दो, गोभी दो, मूंगरे दो, पालक दो, बताऊ दो, मालटा दो। जी तो फ्रेंड्स, गांव की खवातीन का सुबह उठते ही जो पहला काम होता है दही जिसको जाग लगाई होती है उससे देसी मक्खन और लस्सी बनाना होता है। काफ़ी देर की मेहनत के बाद फाइनली हमारे पास ये हार्ड फार्म में बटर और साथ ही लस्सी बन चुकी है। लस्सी जो है वो नाश्ते के लिए इस्तेमाल की जाएगी और ये देसी मक्खन जो है ये कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इनके घर का हम आपको व्यू कराते हैं। ये पुराने ज़माने का कमरा है, ये कुंडी लगी हुई है, ये इनका कमरा है। बिल्कुल खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, ऊपर जो है वो लकड़ियों की छत डाली गई है। ये मिट्टी के बने कमरे हैं, कितनी खूबसूरती से इनको डिज़ाइन किया गया है। तो ये कमरा पहले है, तो उसके बाद यही कमरा इसके अंदर स्टार्ट होता है। दो कमरे हैं, कमरे के अंदर कमरा बनाया हुआ है। ये देखिए पुरसकून माहौल है। ये ज़रूरियात का सामान वगैरह रखा हुआ है। इसकी जो छत है वो भी लकड़ियों की डाली हुई है, लकड़ियाँ डाल के उसके ऊपर सहराई घास का इस्तेमाल किया गया है इसकी छत बनाने के लिए। Thank you.
इनके घर का हम आपको व्यू कराते हैं। ये पुराने जमाने का कमरा है, ये कुंडी लगी हुई है, ये इनका कमरा है, बिल्कुल खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ऊपर जो है वो लकड़ियों की छत डाली गई है। ये मिट्टी के बने कमरे हैं, कितनी खूबसूरती से इनको डिज़ाइन किया गया है। तो ये कमरा पहले है, तो उसके बाद यही कमरा इसके अंदर स्टार्ट होता है। दो कमरे हैं, कमरे के अंदर कमरा बनाया हुआ है। ये देखिए पुरसकून माहौल है। ये ज़रूरियात का सामान वगैरह रखा हुआ है। इसकी जो छत है वो भी लकड़ियों की डाली हुई है, लकड़ियाँ डाल के उसके ऊपर सहराई घास का इस्तेमाल किया गया है इसकी छत बनाने के लिए। हम आपको सीढ़ियाँ इनकी दिखाते हैं। ये सीढ़ियाँ इनकी, ये देखिए चढ़ना भी बहुत मुश्किल है, अचानक से ऊपर आ रही हैं। तो ये अब ऊपर छत का व्यू हम आपको इनका विज़िट कराते हैं। ये देखें, ये इनकी छत का व्यू है। ये दूर दराज तक चोलस्तान ही चोलस्तान है, रेत रेत। सीढ़ी के ऊपर से इनका जो घर का व्यू है कुछ इस तरीके से आता है। फ्रेंड, आपने शायद ही इस तरह की केतली और इस तरह का चाय बनाने का सेटअप लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, क्योंकि अब रिवाज इसका ख़त्म हो चुका है। ज़्यादातर चाय वगैरह जो है वो हांडी में बनाई जाती है, तो पुराने ज़माने में चाय बनाने के लिए इसी केतली का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चल दिया।